हरे कृष्णा। तो विराट पुरुष के वर्णन को और आगे जारी की रखा गया है। यहाँ पे कल हमने देखा कि विराट पुरुष का मुख जो है वो प्रकट हुआ है, यह एक वेग है जिससे स्फूर्ति मिलती है इंद्रियों को। तो इंद्रियों का निर्माण हो रहा है यहाँ पर, और इंद्रियों के निर्माण के पीछे जो अभिलाषा होती है या जो ज़रूरत होती है वो कारण बनता है। अब इंद्रियां आ गईं और इंद्रियों से जिस वस्तु का अनुभव होना है, जो अनुभूति होनी है, उसका वर्णन किया जा रहा है कि भूख प्यास ये आवश्यकता है, या इसे वेग कहा गया। वेग का अर्थ होता है आपकी आवश्यकता, आपकी जरूरत। लेकिन जो वेग होता है वो सिर्फ आपके इंद्रियों को जागृत करता है। अब इंद्रियों द्वारा जो इंद्रियों के विषय है उसका आस्वादन होना है, तो जो आस्वादन होना है, जो चखने वाला तत्व है, वो अब प्रकट होगा। फिर उससे प्रकट होंगे पंच महाभूत, महाभूत फिर उससे व्यक्त होते हैं। तो मुख में फिर जिह्वा प्रकट होती है, ये स्थूल इंद्रिय है। जिह्वा से रस का आस्वादन होता है, लेकिन सिर्फ जिह्वा अपने आप रसास्वादन नहीं कर पाएगी। क्योंकि रसास्वादन करने के लिए जिह्वा को किसी अन्य तत्व के साथ उसे उसके विरुद्ध या उसके साथ मिलकर कार्य करना है, तो मुख का ऊपरी भाग जिसे तालु कहते हैं, है ना, जैसे आप कभी उदाहरण के लिए आप चाहे आपको अचार चखना है या चटनी जो है चखनी है या इमली चखना है, तो जो चीज़ आप चखना चाहते हो वो जिह्वा पर रख कर फिर आप उसे ऊपर जिह्वा को चिपका कर फिर आप उसे चाटने का प्रयास करते हो, तब जाकर उसका स्वाद मिलता है। तो जिह्वा और तालु, तालु मतलब मुंह का ऊपरी हिस्सा जो अंदर, जिस पर जिह्वा को चिपका कर आप किसी चीज को, किसी तत्व को चखते हो, तो तालु। तो विराट पुरुष का इसी प्रकार से स्वरूप व्यक्त हो रहा है। और पुनः हम देखते हैं कि कैसे हर क्रिया, हर इंद्रिय और हर वेग
ये वास्तव में विराट पुरुष में पहले जागृत होती है, तत्पश्चात अन्य जीवों के अन्य योनियों में फिर उसकी प्रदर्शनी होती है। तो कृष्ण ही सब चीज के स्रोत हैं, हर चीज जो है कृष्ण से ही उसकी उत्पत्ति होती है। लेकिन यहां पर और एक सिद्धांत जो है वो स्थापित हो रहा है और एक सत्य जो है वो सिद्ध हो रहा है, और वह है कि जीव की उत्पत्ति या शरीर की उत्पत्ति भी जो है वो चेतनशील वस्तु से होता है, ना कि निर्जीव वस्तु से। पुरातन काल में जो मीमांसवादी थे या जो वैशेषिकवादी थे या अणुवादी थे, जैसे गौतम हैं, कर्नाड हैं, उन्होंने सृष्टि के विषय में उसके विश्लेषण में कहा है कि सारा स्वरूप जो है वो सिर्फ भौतिक तत्वों से प्रकट होता है, और इसलिए किसी चेतनशील वस्तु की आवश्यकता नहीं है। ये अणुवाद या परमाणुवाद सिद्धांत है, जैसे वैशेषिक सिद्धांत भी कहा जाता है। और वर्तमान में भी इस सिद्धांत का नया रूप है विज्ञान, कि स्वरूप जो है अनेक रासायनिक तत्वों के मिश्रण से प्रकट होता है, और ये जो रासायनिक तत्व हैं इनकी जांच या इनके अस्तित्व को समझा जा सकता है, इनकी जांच की जा सकती है, किंतु चेतना या चेतनशील जो तत्व है उसकी जांच नहीं की जा सकती, ना ही उसके अस्तित्व को सिद्ध किया जा सकता है। इसलिए ऐसे वैज्ञानिक सृष्टि जन्म इत्यादि को सिर्फ एक रासायनिक प्रक्रिया ही समझते हैं। उनको लगता है कि कुछ रसायनों को मिश्रण कर लो तो उसी से जीवन की उत्पत्ति होती है। पुराने समय पर इसे वैशेषिक कहा जाता था या अणुवाद परमाणुवाद तत्वज्ञान, और अब इसे विज्ञान समझा जाता है, जिसे कहा जाता है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, कि भगवान की कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही आत्मा का कोई अस्तित्व है, क्योंकि आत्मा जिस की जो परिभाषा दी गई है उसका उसकी जांच को ही नहीं कर पाता है, मतलब उसे उसका अध्ययन, उसका परीक्षण, आत्मा का परीक्षण संभव नहीं है, ऐसा विज्ञान कहता है। तो इस प्रकार से चेतना विषय जितने भी विश्लेषण होते हैं उन्हें लगता है कि वो सिर्फ एक सामाजिक भावना है, वो सिर्फ एक मानसिक कल्पना है। चेतना विषय जो भी चर्चा होती है उसे वो सिर्फ समाज की
एक भावुक आवश्यकता के रूप में देखते हैं कि सिर्फ ये काल्पनिक भावुकता है, जहां पर किन्हीं प्रश्नों को, जिसे उन्हें लगता है कि महाप्रश्न है, उसके उत्तर देना कठिन हो जाता है या उसका उत्तर नहीं मिलता है, ऐसा विचार करते हैं जो भगवान या चेतन चेतना को कल्पना समझते हैं। उन्हें लगता है कि चेतना संबंधी कुछ महाप्रश्न होते हैं, उसके अस्तित्व संबंधी कुछ प्रश्न होते हैं जिसका उत्तर नहीं कोई दे पाता, कि कहाँ है चेतना, क्या दिखा सकते हो आप चेतना, आत्मा को कोई रूप है, कोई रंग है, कोई गुण है जिसकी जांच की जा सकती है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और इन प्रश्नों का जिस प्रकार से वह उत्तर चाहते हैं, वैसा उत्तर न मिलने पर फिर वो चेतना के अस्तित्व को ही नकार देते हैं। किंतु श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथ जो हैं, हमें जीवन की उत्पत्ति या जीवन का स्रोत क्या है वो समझाने का प्रयास करता है। सामान्यतः भी हम देखते हैं कि जहाँ पर भी जीवन व्यक्त किया जाता है, किसी भी योनि में जब जन्म लेता है, कोई भी शिशु का जन्म होता है, तो ऐसा जन्म जो है वो किसी रासायनिक प्रक्रिया से नहीं होती। हालांकि उसमें रासायनों का कुछ उसमें भाग होता है, रासायन उसमें कुछ रोल जरूर अदा करते हैं, केमिकल्स, रासायन का अर्थ होता है केमिकल्स। तो सामान्यतः भी हम देख सकते हैं कि आज तक किसी ने भी रसायनों के मिश्रण से शिशु की उत्पत्ति होते हुए नहीं देखा है। जीवन से ही जीवन आता है। जहां पर जीवन व्यक्त किया गया है या जहां पर प्राण है, वहीं से एक शिशु की उत्पत्ति होती, एक नया जीवन जो है प्रकट होता है। पत्थर से कभी हमने ये नहीं देखा कि दो पत्थर के टकराव से या दो लोहे के टकराव से कोई जन्म हुआ है, शास्त्र में भी उल्लेख नहीं है। पुरुष है, स्त्री है, नर है, मादा है, उनके संबंध से ही अगला जीवन जो है व्यक्त होता है। अब उसमें थोड़ी बहुत जो है व्यक्ति छेड़खानी कर सकता है कि पुरुष से जो जीवन हेतु जो रसायन है, तत्व है, उसे प्राप्त करके उसके वीर्य को लेकर, स्त्री के अंड को लेकर जो है आप अपने प्रयोगशाला में, लेकिन दोनों को प्राप्त करना है एक जीवित व्यक्ति से ना। किसी ने अपना अंडा तो नहीं बनाया, किसी ने अपना वीर्य तो नहीं बनाया है ना। कहीं पर भी वीर्य का या अंडा का उत्पादन नहीं किया गया है, कोई फैक्ट्री नहीं है उसका। आज तक किसी की भी इतनी क्षमता नहीं हुई है कि वीर्य का एक कण जो है उसकी निर्मिति कर पाए।
जहाँ पर भगवान द्वारा निर्मित एक जीवित शरीर है, नर शरीर है, पुरुष शरीर है, तो अगर वो जीवित है तो फिर वहाँ पर वीर्य की उत्पत्ति होती है। स्त्री का शरीर है तो अंडा का उत्पत्ति होता है वहाँ पर। तो जैसे सामान्यतः भी हम देखते हैं कि नया जीवन जो है तभी व्यक्त होता है, या नए जीवन की उत्पत्ति रसायनों से नहीं होती है, हालांकि रसायन वहां पर प्रयोग में आते हैं। अगर कोई लेकर स्त्री के शरीर से अंडा निकालकर उसको अपने प्रयोगशाला में उसका परीक्षण करे तो परीक्षण से पता चलता है कि कुछ रसायनों से बना हुआ है। उसी प्रकार से वीर्य का भी परीक्षण किया जाए तो यही पता चलता है कि वो भी कुछ रसायनों से ही बना हुआ है, उसमें कुछ रसायन तत्व हैं। लेकिन ये दोनों रसायन जो पदार्थ हैं, रासायनिक पदार्थ हैं, ये जीवित व्यक्ति से प्राप्त करना है, या जहां पर जीवन था कुछ क्षणों तक वहां से प्राप्त करना है। जैसे कभी कभी कोई व्यक्ति किसी की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु उपरांत कुछ समय में कुछ समय तक जब तक कि शरीर में धनंजय नामक वायु की उपस्थिति होती है, जब वह वायु शरीर छोड़ देता है तो फिर उस शरीर से कोई भी रसायन जो है उसका प्रयोग करके लाभ नहीं है। लेकिन जब तक वह वायु है, जो 10 वायु में से एक वायु माना गया है धनंजय, जब तक धनंजय जो है वो शरीर छोड़ता नहीं है, तब तक शरीर में जो कुछ थोड़े बहुत रसायन है उसका प्रयोग किया जा सकता है। और कभी कभी जो बहुत ही दक्ष वैज्ञानिक होते हैं वो शरीर के उसे मृत्यु के बाद भी उसे इस प्रकार से जीर्ण होने से रोकते हैं किसी रसायन का ही प्रयोग करके, कि शरीर में से यह वायु जो है वो निकले नहीं, तो फिर कुछ समय तक वह शरीर जो है रखा जाता है, 2-3 दिन तक या कभी कभी 6 महीने तक। शास्त्र में उल्लेख है कि कुछ महीने तक भी उस शरीर को सजीव रूप में ही रखा जाता है। यह माना जाता है कि अभी भी शरीर जो है पूरी तरह से मृत नहीं है, हालांकि आत्मा नहीं है वहां पर, लेकिन शरीर मृत नहीं है, कि एक जो वायु है धनंजय वो शरीर में अभी भी रोक कर रखा गया है। तो उसको तेल ओल में रखते हैं, जैसे दशरथ महाराज को 7 दिन तक रखा गया था, जब तक भरत जी नहीं आए तब तक। तो जब तक यह वायु जो है शरीर छोड़ती नहीं है, तब तक शरीर में जो भी रसायन है उसका प्रयोग किया जा सकता है। वह केमिकल जो है वह भी प्रयोग में लाया जा सकता है। लेकिन एक बार वह प्राण त्याग दे, जो धनंजय नामक वायु है वह शरीर छोड़ दे, फिर शरीर के सारे रसायन तत्व जो हैं वो सब मुरझा जाते, नष्ट हो जाते। तो तब तक जो है, कभी कभी आज भी ऐसे कुछ उदाहरण हैं जहाँ पर व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी उसके शरीर से अंडा या उसके शरीर से वीर्य जो है DNA जैसे, या कभी कभी स्टेम सेल्स वो निकाले जाते हैं, उसमें से उसे रखा जाता है, प्रिजर्व करके रखा जाता है। तो जब साधारणतः हम देखते हैं कि कोई नई सृष्टि, नया जीवन जहाँ पर इंद्रियां जो हैं प्रकट होने वाली हैं,
वह सजीव किसी स्रोत से निर्मित होता है, ना कि निर्जीव स्रोत से उसकी निर्मिति होती है, सजीव स्रोत से निर्मित होता है। तो सृष्टि के आदि काल में, आदि समय में, जब पहली बार सारे जीवों को शरीर प्राप्त होना है, तो उनको, उनके इंद्रियों को कहाँ से सृजन शक्ति प्राप्त होती है, उनकी इंद्रियां कहाँ से व्यक्त होती, उस समय तो कोई माता पिता नहीं है ना। जब पहली बार ब्रह्मा जी अलग अलग योनियों को व्यक्त करते हैं, या ब्रह्मा जी की स्वयं सृष्टि होती है, तो उनकी इंद्रियां कहां से आती हैं? तो ये समझ जो है भागवत में विराट पुरुष के अस्तित्व से दिया जा रहा है। तो सर्वप्रथम विराट पुरुष की, उनके जागृत होने से इंद्रियों की निर्मिति होती है। जैसे यहां पर उनका मुख, उनकी जिह्वा, उनकी तालु, और तत्पश्चात रस तत्व, उसकी निर्मिति हो रही है। तो एक दृष्टिकोण से विराट पुरुष ये हमारे आदि पिता हो गए। जितनी भी योनियां हैं, अगर हम देखा जाए, देखें कि कहां से उनकी वंशावली कहां से शुरू हो रही है, तो विराट पुरुष से होती है। अभी विराट पुरुष का अस्तित्व आता कैसे? तो यह जो विराट पुरुष की के अस्तित्व की चर्चा होती है ना शास्त्र में, ये एक सैद्धांतिक कल्पना है। जैसे आपका अस्तित्व जो है, आप जब हमें देखते हैं, हम जब आपको देखते हैं, तो यह हमारे शाब्दिक कल्पना से उत्पन्न हुआ है। आप जब हमें देखते हो, हम आपको देखते हैं, तो एक शब्द के प्रयोग की एक कल्पना है ये, कि ये दो हाथ हैं, दो कान हैं। तो जैसे ही कान शब्द हम सुनते हैं, तो फिर उसका एक स्वरूप हमारे मन में आता है। यह जो स्वरूप है, ये कल्पना है। अगर शेर आपको देखता है, तो वो नहीं देखता कि इसके कान है कि हाथ है, क्या है। समझ रहे हैं इस बात को? इसलिए जो शेर है, आपका कुत्ता भी, कुत्ता भी आपको देखेगा तो कुत्ते को भी ये समझ में नहीं आती कि ये आपकी नाक है या आपका कान है। फिर आपके घर में जो कुत्ता है, उसकी जो इंद्रियां हैं, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, शेर हो, सबके बुद्धि अलग अलग काम करती है, बुद्धि से हम भेद कर पाते हैं। तो आपके घर में जो पालतू कुत्ता होता है, जिसकी बुद्धि, आपके घर में जो शब्दों का प्रयोग होता है, उसके अनुसार उसकी बुद्धि भेद करना सीखती है, उसे प्रशिक्षण मिलता है। तो मराठी घर में कुत्ता है, उसको बोले कि जा, तो फिर भागता है वो। हिंदी घर का कुत्ता है, उसको बोलते जाओ, तो फिर वो भागता है। अंग्रेजी घर का कुत्ता, उसको बोलो गो, तो भागता है। तो अंग्रेजी घर का कुत्ता अगर हिंदी घर के घर में आ गया, उसको बोलेंगे जाओ, तो उसको समझ में नहीं आती बात, क्योंकि उस शब्द की कल्पना वो नहीं कर पाता। वैसे आप और तमिल में कोई से कोई बोला वांग, तो आप बोलते बैगन चाहिए आपको, मराठी है ना, वांग वांग, तो बैगन क्यों मांग रहे? तो वो जब वो शब्द व्यक्त करते हैं तमिल में, तो आपकी कल्पना कुछ और होती, इसलिए आप जो स्वरूप देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, ये शाब्दिक कल्पना कही गई है। इसे स्वरूप है,
लेकिन उस स्वरूप के अस्तित्व आपकी बुद्धि शब्दों द्वारा समझती है। ये बात समझ में आ रही है आप लोग? तो शब्दों द्वारा 50 व्यक्ति खड़े हैं तो फिर मां शब्द का उससे कल्पना आती है, या बाप शब्द से कल्पना आती है, मित्र शब्द से कल्पना आती है, और कभी कभी भ्रम भी होता है। अरे संतोष, ऐसा कोई कहता है, सामने वाले व्यक्ति के चेहरे पर एक अजीब प्रश्न चिन्ह रहता है, फिर हम कहते हैं अरे अच्छा 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 तुम्हें संतोष नवे का नहीं मतलब आटल, तुम्हें संतोष सार का तुमसे असर दिसते, तुम्हें दिसता संतोष सार का दिसता, संतोष मेरा मित्र हुआ करता था। तो कभी कभी जो हमारी शाब्दिक कल्पना के स्वरूप होता है वो उचित ना हो, उसके वजह से हम थोड़े बहुत संदेहजनक स्थिति में आ जाते हैं, जहां पर हमें मन में कुछ कंफ्यूजन आ जाए, संदेह आ जाए। तो ये जो कल्पना जो करता है ना व्यक्ति, कल्पना से स्वरूप को समझना, क्योंकि शब्द से कल्पना आती है, शब्द का एक स्वरूप जो है वो सामान्यतः हम मान लेते हैं कि ये अ है, ये आ है, ये ई है, छोटी ई बड़ी ई, फिर शब्दों के जोड़कर या अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाया जाता है, तो अक्षर हैं शब्द हैं। तो जो तत्वज्ञानी लोग हैं, जो वैदिक तत्वज्ञान समझते हैं जानते हैं उसमें प्रशिक्षित होते हैं, तो वैदिक तत्वज्ञान समझते हुए उसका उसके भेद को या उसके अलग अलग जो विश्लेषण है उसको जानते हुए, उसके डिस्क्रिप्शंस को जानते हुए, विराट पुरुष की कल्पना शब्दों द्वारा होती है। ऐसा नहीं कि कल्पना अर्थात सिर्फ ये एक मन का भ्रम है, यह हमारे ऋषि मुनियों के मन का भ्रम नहीं है, एक स्वरूप है, उस स्वरूप को हम तक पहुंचाने के लिए शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, और उन शब्दों को जो कल्पना दी गई है जिसके द्वारा हम उस स्वरूप को समझें कि 4 फुट है कि 8 फुट है, 10 उंगलियां हैं कि 5 उंगलियां हैं, उसको समझने के लिए जिस शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है वह शब्द उनका अर्थ हम तक अगर पहुंच जाए, अगर हमें समझ भी नहीं आते हैं ना अर्थ, तो फिर हमें लगे कि विराट पुरुष जो है सिर्फ एक भ्रम है। लेकिन जब शब्दों को हम समझने लगे, शब्दों की व्याख्या समझने लगे, शब्दों का उद्देश्य समझने लगे, तब फिर वो भ्रम न रहकर हमें समझ में आता है कि सत्य है। तो जब तक शब्दों का अर्थ नहीं समझते तो सत्य भ्रम लगता है, और जब सत्य का जब शब्दों का अर्थ समझ में आता है तो साधारणतः अज्ञानी व्यक्ति जिसे भ्रम समझे, ज्ञानी व्यक्ति उसे सत्य के रूप में देखता है। जैसे बहुत सारे वर्तमान समय के जो जो अभी की पीढ़ी है, जो अपने आप को हिंदू कहती है, हिंदू रीति रिवाज मानते हैं, उनको कुछ रस्में जो हैं हमारे हिंदू समाज के, कुछ रीति रिवाज जो हैं उसका कुछ अलग ही उनके अर्थ समझ में लगता है। जैसे विवाह के समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण रस्म एक रीत होती है, एक रस्म होता है जिसे कहते हैं पानी ग्रहण। तो नई पीढ़ी आजकल उसे लगता है पानी ग्रहण मतलब पानी लेकर आना है, वो न ना होकर न है अण, लेकिन पानी ग्रहण का अर्थ होता है कि लड़की का हाथ सौंपना लड़के के हाथ में, पानी ग्रहण। लेकिन
बहुत सारे लोग पानी ग्रहण को समझते हैं कि मतलब यहां पर कुछ पीने को मिलेगा, है ना। चक्र पाणी भगवान का नाम है, चक्र पाणी, पाणी मतलब हस्त। तो जहां पर हाथ दिया जाता है, मतलब किसी को सौंपी जाती है कि आज से आप दोनों एक साथ हैं, जैसे हमारे हाथ में कोई किताब दे दे तो इसका अर्थ होता है कि अब ये किताब आपकी हो गई, मतलब जब तक हाथ में तब तक आप इसका प्रयोग कर सकते हो। तो पाणी ग्रहण का अर्थ होता है कि अब जीवन भर आप एक दूसरे के साथ रह रहे हो। तो महत्वपूर्ण वो एक रीत है, लेकिन कौन समझाए आज के नई पीढ़ी को, क्योंकि पाणी पाणी मंजे का है, फिर उसको हाथ क्यों बोलते हैं, हाथ ग्रहण। अब ग्रहण भी उनको समझ, ग्रहण उनको लगता है ग्रहण मतलब वो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण, तो वो तो शब्दों के शब्दों से स्वरूप की कल्पना, ये बुद्धि, और बुद्धि जब अर्थ समझ, बुद्धि से जब अर्थ समझ में आता है तब वो कल्पना स्थापित होती है। तो जब तक कृष्ण शब्द का अर्थ नहीं जानते तो हम भगवान के स्वरूप को समझ नहीं पाते। कृष्ण शब्द का अर्थ जब तक ना समझे, तो क्या ये एक भ्रम है, क्या हम अपने अपने भ्रम के अनुसार उसे स्थापित कर रहे हैं, भ्रम नहीं है। यहां पर जो विचारक बुद्धि है उस संदर्भ में विश्लेषण किया गया, वो कंसेप्ट जो है समझाया गया है विचारक बुद्धि से, जिसे विवेक बुद्धि भी कहा जाता है, कि व्यक्ति बहुत प्यासा है, बहुत प्यास लगी हुई उसे, तो जिस तत्व से उसकी प्यास बुझती है उसे कहीं पर जल कहा गया है, कहीं पर पानी कहा गया है। अगर उसे आप जल कहो, उसे पानी कहो, उसे वाटर कहो, जब आप वाटर कहते हो और आपको उस शब्द समझ में आता है कि ये वाटर जो है मेरी प्यास बुझाता है, तो वाटर का स्वरूप, पानी का स्वरूप, जल का स्वरूप, उन शब्दों से जो स्वरूप व्यक्त होता है वो एक ही स्वरूप है। वो कैसा स्वरूप है, वो वह स्वरूप है, वह तत्व है जो आपकी प्यास को बुझाता है। इसे जब कृष्ण शब्द का प्रयोग किया गया है, उससे जिस स्वरूप को सिद्ध का किया जाता है, उस शब्द के अर्थ से जो स्वरूप सिद्ध होता है, या भगवान शब्द से जो स्वरूप सिद्ध होता है, वो आप उस भगवान कहें या किसी और शब्द का प्रयोग करें, जब तक वही तत्व सिद्ध ना हो तब तक वो शब्द का अर्थ खरा नहीं ठहरा। इसलिए आप अपने कृष्ण को आप सोचते नहीं मेरे कृष्ण ऐसे हैं, कोई और सोचता मेरे कृष्ण वैसे हैं, ये भ्रम हो गया। आप जो कृष्ण शब्द से स्वरूप सिद्ध कर रहे हो, जिसकी कल्पना कर रहे हो, और हम जो कर रहे हैं, दोनों एक ही तत्व होना चाहिए, फिर वो सत्व है। इसलिए आपके और हमारे कहने से भगवान का अस्तित्व बनता नहीं, और ना ही आपके और हमारे कहने से आत्मा का अस्तित्व बनता नहीं। तत्व पहले से ही स्थापित है, शब्द प्रयोग से उसके स्वरूप की कल्पना करने का हम प्रयास करते हैं, ताकि उस शब्द के प्रयोग से जिस भी अवस्था में हम रहें तुरंत उसकी कल्पना कर सकते हैं। आज यहां पर बैठकर अगर प्यास भी ना लगी हो, हम पानी शब्द से सिद्ध कर देते हैं कि वो तत्व है क्या। तो ये होता है तर्क, इसे कहते हैं लॉजिक। तो जब भी सांख्य की बात आती है, जब भी तत्वों का विश्लेषण किया जाता है शास्त्र में, जैसे सांख्य सिद्धांत कहा गया, समझाया गया है, तत्व ज्ञान विश्लेषण, वहां पर
तर्क का प्रयोग करना बहुत आवश्यक होता। तर्क अर्थात बुद्धि द्वारा शाब्दिक कल्पना। तो अगर विराट पुरुष के इंद्रियों को समझना है तो हमें शास्त्र में जो शब्द दिए गए हैं उसके प्रयोग को, उन शब्दों को ठीक से, उसकी शाब्दिक कल्पना को समझना पड़ेगा, तब जाके स्वरूप समझ में आता है। नहीं तो आज जो विराट स्वरूप है, जो विश्वरूप, जिसको विश्वरूप दर्शन भी कहा जाता है, लोगों को लगता है कि वो एक कल्पना है जहाँ पर पेड़ हैं, नदियाँ हैं एक साथ। जब निकालते हैं ना कोई भगवान का विराट रूप दिखाते हैं तो कभी कभी दिखाते हैं कि नीला, हरा, लाल, पीला, जितने भी रंग अलग अलग मुख में डाल सको, और फिर कहीं पर भालू का मुंह, कहीं पर बंदर का मुंह, तो कहीं पर व्याघ्र मुंह, ये हो गया विराट स्वरूप। तो ये एक सिर्फ एक आर्टिस्ट की कल्पना है, चित्रांकन किया गया उसको, किसी ने कल्पना की। शाब्दिक कल्पना जो है, जो शास्त्र के शब्द हैं उसकी कल्पना जो है वो साक्षात्कार से प्राप्त होता है। इसलिए अगर आप कोई पेंटिंग देखें ना विराट रूप का जैसे, तो उस पेंटिंग का पर ध्यान करने से साक्षात्कार नहीं होता। वह पेंटिंग किन शब्दों पर आधारित है, उस शब्दों के अर्थ को समझने का प्रयास करना, तब जाकर वो उस सत्य का स्वरूप जो है उसका दर्शन होता है। इसका व्यवहारिक प्रयोग क्या है, जैसे राम शब्द या कृष्ण शब्द या हरे शब्द, हरे कृष्ण राम, इसका जो वास्तविक स्वरूप है, नाम से ही रूप, नाम से ही गुण, ये सब व्यक्त होता है। भगवान का नाम अगर हम ठीक से समझ लें, हरि नाम को ठीक से समझ लें, उसकी शाब्दिक कल्पना को अगर हम पकड़ लिए, शब्द से जो अर्थ निकलता है अगर उसको हमने पकड़ लिया, धारण कर लिया, तब साक्षात्कार होता है भगवान का। नहीं तो हरे कृष्ण हरे राम से यही समझ में आता है, हाँ तेस ना खिचड़ी जे देता था। तो इतनी कल्पना लोग कर पाते हैं, हरे कृष्णा हरे राम म्हणजे तेज त्यांची गाड़ी जाते खिचड़ी। बाहर वालों को लगता है कि हरे कृष्णा हरे राम मतलब खिचड़ी वाले, और जो भक्त है उनको लगता है हरे कृष्णा हरे राम मतलब 56 भोग खाने को मिलेगा। वास्तव में ऐसी कल्पना होती है, मतलब मोटा मोटी देखा जाए, है ना। भक्तों के जीवन में हरे कृष्ण राम का अर्थ क्या होता है, आनंद की, अगर आनंद के दृष्टिकोण से देखें, जहां पर सुख है तो प्रसाद और दुख है तो माला मणि, उसका दुखमय स्वरूप है जप के करना करावा लागना अपना जप, तो दुखमय स्वरूप उसका, और सुखमय स्वरूप फेस्टिवल ही होता है, म्हणजे 56 भोग, चरणामृत, श्रीखंड, हलवा। इतना ही है। तो सत्य सिद्ध, फिर चाहे 40 दिन निकले या 40 वर्ष निकले या 40 जन्म निकले, हम वहीं के वहीं रह जाते हैं, साक्षात्कार नहीं आ पाता। तो शब्दों का जो अर्थ है, अर्थ से जो स्वरूप है, उस कल्पना को पकड़ना बहुत आवश्यक है। और उस कल्पना की पकड़ तभी होती है जब हमें वह तृष्णा उत्पन्न हो जाए। जब प्यास होती है ना, तब पानी का स्वरूप अपने आप समझ में आता है। तो ये जो वेग है, ये जो हमारी आवश्यकता है, उस आवश्यकता के अस्तित्व को जब हम स्वीकारते हैं, उसे हम जानते हैं कि ये चीज हमें पीड़ित करने ही वाली है,
तो जिस दिन जन्म मृत्यु जरा व्याधि के स्वरूप को व्यक्ति समझ जाए कि कैसे उसकी पीड़ा होती है, किस प्रकार से उससे व्यक्ति हमेशा तृष्णा में रहता है कि एक नित्य जीवन मिले जहां पर ये व्याधि ना हो, जहां पर ये, तो जब व्यक्ति को वास्तव में उसका उसकी आवश्यकता जो है उसकी अनुभूति होती है, तब उसे पकड़ में आती है मोक्ष का अर्थ, नहीं तो नहीं पकड़ में आता मोक्ष का अर्थ। जिस दिन हम भूल जाते हैं ना कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि कुछ ऐसी एक दुखद अवस्था है, और वो तो अभी हम सुनते हैं कल भूल जाते हैं, ऐसी बात है वो, तो उसके साथ ही साथ वो जो एक वेग होता है, जो एक पुशिंग होता है, जो एक स्फूर्ति होती है, वो भी गायब हो जाती है, स्फूर्ति चला जाता है। फिर उसके बाद नाम जप आप कीजिए, देखिए बिना मन का नाम जप आप करते हो, नाम स्मरण बिना मन का करते हो, जब जीव से, अब जीव को आप तो आदत कुछ भी डलवा सकते हो, है ना, जीव को अगर आदत डलवाना है, घर में पति पत्नी आप लोग तो जानते ही हो कैसे झाला बरा पता है कि जीव को आदत डलवा दिए बोलना कि अच्छा, लेकिन मन यही सोच रहा है कि क्या कितना और तड़पूंगा मैं, है कि नहीं, आज कैसा बना नया डिश, अब बोल नहीं सकते कि खराब बना है, पता है नहीं तो महाभारत यहीं पर छिड़ जाएगी, चांगला है कि। तो जीव को आदत कैसे पड़ती है आपको पता है, इसका अनुभव सबको है। अब यही आदत पड़ जाती है जब हम हरे कृष्ण मन बोल रहा है कितना घटिया मेरा समय जा रहा है, लेकिन जीव अब क्या करें, एक मन है जो ये आपको विश्वास दिलाता है कि आप अब तो आप भक्त हो, नाम जप करना चाहिए, और दूसरा मन जो है मतलब वो उस पति की तरह जो पत्नी का हो, या वो पत्नी की तरह जो पति को नहीं बोल पाते हैं कि ठीक नहीं बना, नहीं बोल पाते हैं। तो विराट पुरुष तर्क का विषय है, तर्क करना, तब तक व्यक्ति की तर्क करने में उनको आनंद नहीं आता है, उसमें रुचि नहीं होती है, जब तक कि वेग ना हो, वो आवश्यकता निर्माण ना हो जाए। इसलिए 99% भक्त तर्क के विषय में पुड़े काय, मतलब ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और जैसे ही तर्क के विषय में सिद्धांत बलिया ना करे चित्त आलस, जैसे ये आलस आ गया ना हमारे मन में सिद्धांत समझने में, तो समझ लीजिए कि शायद हमारी साधना जो है अगले कुछ समय तक, कुछ वर्षों तक बड़ी ही निम्न अवस्था में चलने वाली है, बड़ी ही निम्न अवस्था। और हमारे साधना को प्रेरणा क्या मिलेगी पता है, हरे कृष्ण महामंत्र का नया ट्यून, कोई नया भड़कीला ट्यून आ जाए ना, जैसे नया पिक्चर नया गाना आता है, वाई दिस कोलावेरी डी, कुछ ऐसा नया ट्यून। तो हरे कृष्ण महामंत्र का जब नया ट्यून आता है तो अचानक उस दिन भक्ति बड़ी प्रज्वलित हो जाती है, ट्यून से प्रेरित होती, मतलब सिर्फ भोग करने की इच्छा से प्रेरणा मिलता है, सेवा की इच्छा से प्रेरणा नहीं मिलती हमें, हमारा नाम स्मरण जो है सेवा भाव से प्रेरित नहीं होता, सेवा भाव तभी तक प्रज्वलित रह सकता है जब व्यक्ति तर्क समझे, बुद्धि से अगर तर्क ना करे व्यक्ति तो उसकी बुद्धि जो है वो इंद्रियों के वश में आ जाती है। तो तर्क का विषय क्या है, तर्क का विषय होता है शास्त्र के शब्दों का जो
अर्थ है उसकी कल्पना को पकड़ना, क्योंकि वैसी कल्पना को अगर पकड़ लेंगे तो सत्य का साक्षात्कार होता है, तब जाकर हमें कृष्ण जो हैं ब्रज में कदंब वृक्ष के नीचे या तमाल वृक्ष के नीचे कीर्तन करते हुए, बांसुरी वादन करते हुए हमें दिखाई देंगे, तब तब दर्शन होता है कृष्ण का, तब भगवान की बांसुरी हमें सुनाई देती है। नहीं तो बांसुरी तभी सुनाई देती है जब कोई, अरे वाह, कोई बजा रहा है यहां पर, तो कोई बजाता है यहां पर, तो फिर हम कल्पना करते हैं, अच्छा अच्छा मुझे कृष्ण कैसे बांसुरी बजाते होंगे, वो हमारा भक्त है ना श्यामदास, वैसे जैसे वो बजाते हैं ना वैसे कृष्ण भी बजाते होंगे। तो वह कल्पना जो है वो शास्त्र के शब्दों पर आधारित नहीं है। कहां शास्त्र में कहा गया कि श्यामदास जैसे बांसुरी बजाता है वैसे कृष्ण बांसुरी बजाते हैं? शास्त्र तो ये नहीं कहता ना। कहां पर शास्त्र कहता है कि जो बच्चे हैं वो भगवान के ही स्वरूप होते हैं? ये तो समाज में एक धारणा बन गई है, किसी संत महात्मा ने कहीं कभी कह दिया होगा कि बाल बच्चा जो होता है वो भगवान का स्वरूप होता है। कभी शास्त्र में आपने पढ़ा है? तो फिर शुरू, हर व्यक्ति जो अपने बच्चे को ही सजाकर हे शाम से कृष्ण आता, तो शाब्दिक कल्पना या शास्त्रिक कल्पना जो है, जो तार्किक कल्पना है, वो छोड़कर व्यवहारिक कल्पना को हम अपनाने लगते हैं। व्यवहारिक कल्पना हमारे इंद्रियों की अनुभूति पर आधारित है, ना कि तर्क पर आधारित है। तो लॉजिक, या जहां पर तर्क का इस प्रकार से प्रयोग है, उसे कहा जाता है अध्ययन। अध्ययन के लिए बुद्धिमान होने की आवश्यकता नहीं होती है, अध्ययन करने के लिए बुद्धि का प्रयोग करना आवश्यक होता है। और वह प्रयोग तभी सिद्ध होता है जब आपकी रुचि, आपकी वो प्यास उत्पन्न हो जाए। तो अढ़ानी, मतलब जिन्होंने कभी भी शब्द जो है अक्षर सीखे नहीं है, वह कैसे शास्त्र जानते हैं? अक्षर का ठीक से समझ नहीं है, ऐसे हमारे संत महात्मा हुए हैं, अक्षर की कोई समझ नहीं है। जैसे ज्ञानेश्वर महाराज माउली तो बहुत ही अक्षर प्रज्ञ थे, तुकाराम महाराज कोई अक्षर प्रज्ञ थोड़ी थे, उनको तो लिखना भी नहीं आता था, लेकिन देखिए शब्दों का अर्थ कैसे पकड़ लिया उन्होंने। तो बुद्धिमान या सुशिक्षित होना यह आवश्यक नहीं है तर्क समझने में, तर्क समझने के लिए भूख होनी चाहिए। सुशिक्षित व्यक्ति के पास भूख ना हो तो बड़ा ही अज्ञानी होता है अध्यात्म में, और जिसको अक्षर ज्ञान भी ना हो, अगर उसकी भूख है ना, तो फिर शब्दों का अर्थ वो समझ लेता है। जैसे बच्चा होता है, उसके क्या पता है म और आ क्या है, म और आ की मात्रा वो तो समझ में भी नहीं आता है, लेकिन माँ शब्द के अर्थ को वो बहुत जल्दी पकड़ लेता है बच्चा। क्यों? क्योंकि वह अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहा है, उसकी आवश्यकता है मां शब्द को समझना, वो उसकी जरूरत है ना। तभी क्या कहा गया है कि भगवान का नाम स्मरण कैसे करना चाहिए, जिस प्रकार से एक बालक अपनी मां को पुकारता है उसी प्रकार से हम तो नहीं पुकारते ना भगवान को ऐसे, मां हमको तो अभी याद भी नहीं है कि बालक माँ को कैसे पुकारता है, हम अपने माँ को पुकारते हैं अगर आइक,
ऐसे ही बोलते हैं। वो तो एक बच्चा होता है जो शब्दों को नहीं जानता है, अक्षरों को नहीं जानता है, फिर भी माँ शब्द के अर्थ को समझ गया है। तो विराट पुरुष का यहां पर जिह्वा व्यक्त हो रहा है, अर्थात अब सारे सृष्टि में जितने भी जीव अभी तक सुप्त थे, अब सृष्टि के आदिकाल का प्रसंग दिया जा रहा है ना, अब उन्हें भी जिह्वा मिलेगी जिससे कि रस का आस्वादन कर सके। तो जब तक भगवान के जिह्वा की निर्मिति नहीं होती है, अब भगवान की जिह्वा की निर्मिति इसका अर्थ हो गया भगवान से पहले भी कोई होगा ना जो उनको जिह्वा दे रहा है, तो यहां पर भगवान के जिह्वा की निर्मिति का अर्थ होता है विराट पुरुष की जिह्वा। तो विराट पुरुष का जन्म होता है, इसलिए विराट पुरुष जो है वो भगवान ही है, साथ ही साथ भौतिक भी है। जिन तत्वों से उनका स्वरूप बना हुआ है वो तत्व जो है वो 24 तत्व हैं सृष्टि के, या सृष्टि के ही तत्व हैं। इस रूप से वो भौतिक हैं। हर भौतिक तत्व जो है जरूरत नहीं है कि वो कर्म बंधन में है, जैसे भगवान का विराट रूप जो है वो कर्म बंधन से प्रेरित नहीं है। कर्म बंधन से या कर्म और कर्म फल का जो नियम है उसकी वजह से भगवान का विराट स्वरूप निर्माण नहीं होता, क्योंकि वो भौतिक तत्वों का बना हुआ है। इसलिए हमें यह नहीं समझना चाहिए कि ओ पिछले जन्मों के कर्मानुसार अब यह विराट स्वरूप जन्म ले रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो हर भौतिक तत्व से जो अस्तित्व निर्मिति होती है वो कर्म और कर्म फल के कारण नहीं होता, उसका एक अपवाद है भगवान का विराट स्वरूप। लेकिन हम और आप जो स्वरूप धारण करेंगे, जहां पर जीव मिलेगा हमें, तालु मिलेगी हमें, रस आस्वादन करने के लिए कोई तत्व होगा, रस तत्व, ये सब कर्म और कर्म फल का खेल है। विराट पुरुष के स्वरूप जो है कर्म और कर्म फल की वजह से निर्मित नहीं होती, लेकिन है वो भौतिक तत्व का ही बना हुआ। क्यों हम आपको ये बात समझा रहे हैं? कभी आप चैतन्य लीला का श्रवण करेंगे ना, तो एक प्रसंग ऐसा है चैतन्य लीला में जहां पर विराट पुरुष के साथ नृत्य कर रहे हैं अद्वैताचार्य। भगवान चैतन्य महाप्रभु अपना विराश विश्व रूप दर्शन देते हैं उनको, और अद्वैताचार्य जो है उनके साथ नृत्य करते हैं। अब ये कैसे हो रहा है? बड़ा ही अद्भुत प्रसंग है वो, शायद क्योंकि विराट पुरुष के स्वरूप का आगे भी वर्णन होगा। प्रयास हमारा यही है जब ये वर्णन जो है उसका विश्लेषण कर रहे हैं कि आप भगवान के विराट पुरुष जो विराट स्वरूप है, जो विश्व रूप स्वरूप है भगवान का, वो बड़े आसानी से समझ जाए, उसके अस्तित्व को समझें। जितना ज़्यादा हम भगवान के विराट स्वरूप को समझेंगे उतनी ही हमारी भौतिक आसक्तियाँ कम होती हैं। आपको एक साधारण उदाहरण देते हैं। बाहर अगर सोचिए कोई बहुत सुंदर गाड़ी आ जाती है, एक कार, उसे देखकर अचानक जो है उसके सौंदर्य को देखकर या उसका जो भी स्वरूप है उसको देखकर हमारी जो तार्किक बुद्धि है, जो भौतिक अस्तित्व को समझता है, वो तुरंत जो है निर्माण एक अनुमान लगा लेता है। वो तार्किक बुद्धि से हम अनुमान लगाते हैं ये बहुत ही कीमती है, बहुत ही महंगा है, और साथ ही साथ उसके साथ और एक कल्पना जुड़ जाती है कि इसका अर्थ है
बहुत धन, आराम, सुख का आनंद। तो अब मन में जागृत होती है अभिलाषा, क्या मेरी भी ऐसी गाड़ी हो सकती है? तो आ गई एक तृष्णा मन में। लेकिन बुद्धि हमें क्या समझाती है, बुद्धि से हम क्या समझते हैं? आनंद करने की इच्छा तो निर्माण हो गई, लेकिन अगले 40 साल तक भी काम करेंगे तो इतना पैसा शायद नहीं जुटा सकते हैं कि ऐसी गाड़ी हम खरीद पाए, लोन लेकर भी शायद ना खरीद पाए। ये बुद्धि समझाती है हमें। तो फिर एक मायूसी आ जाती है, या फिर उस सत्य को हम स्वीकार लेते हैं कि ठीक है, उसके कर्म के अनुसार उसे मिल गया, हमारे बुरे कर्म हैं, ऐसे कहकर हम उसे उस स्थिति को समझ लेते हैं। तो जो जिस चीज के प्रति मन जो है आकर्षित हो गया है और मन में भोगने की इच्छा जागृत हो गई है, क्योंकि उस सुख के प्राप्ति के लिए हम सक्षम नहीं हैं, यह हमारी बुद्धि समझाती है हमें, तो एक विरक्ति अपने आप आ जाती है। अगर वो विरक्ति नहीं आएगी तो आदमी के मन में फिर गलत उसके इच्छाएं निर्माण होती, चोरी कर लूं, अगर कोई इधर उधर नहीं है तो थोड़ी देर तक जाके बैठ जाता हूं अंदर, होता है ना कभी कभी कि स्टेशन पर रेल ट्रेन खड़ी हुई है 10 मिनट के लिए, तो हमारे पास तो एसी में बैठने का कभी भी मौका नहीं है, लेकिन आदमी क्या सोचता है, अभी खड़ी है ना, अंदर जाता हूँ ना थोड़ा सा 10 मिनट के लिए एसी में खड़ा रहता हूँ, गर्मी बाहर लगती है। तो करते हैं लोग ऐसे, करते हैं कि नहीं करते, कि रेलवे गाड़ी आ गई, ट्रेन आ गई, एसी कोच में घुस गए, हाँ कौन सा सीट, ऐसे ही देखने के लिए कि उनको पता है कि कैसे व्यवहार करना चाहिए, कि 10 मिनट तक जब तक वो गाड़ी वहाँ पर खड़ी है एसी का आनंद लो। देखिए सब कोई बड़े, आपको भी पता है हमें भी पता है, अंदर की बात है। तो ये जो कल्पना, अगर विरक्ति नहीं निर्माण होती है ना तर्क से, तो फिर अलग अलग तरीके से व्यक्ति भोग करने की, अब देखिए उसमें कितना समय जाता है। जिस उद्देश्य से आप रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं वो उद्देश्य आपको छूट गया, आप उस समय तक यही सोच रहे हो अभी मेरी तो गाड़ी नहीं आई है, आपका उद्देश्य क्या है, आपकी गाड़ी में बैठकर आपने कहीं जाना है, अब मन उस उद्देश्य से हट गया, मतलब उस उद्देश्य के प्रति जो आपका लगाव होना चाहिए था वो कम हो गया। इसका मतलब है आप में जो दृढ़ता होनी चाहिए थी वो कम हो गई, इसका अर्थ है आपकी जो एकाग्रता होनी चाहिए थे वो चली गई। ये सब बाद में परिणाम करेगा, ये सब जो है संस्कार होते हैं, आगे आपके जीवन में इसका परिणाम आएगा ही। इससे जो एकदम कट्टरवादी होते हैं ना, वो फिर भी किसी की गाड़ी होगी, नहीं आमची नहीं है, मेरी पात्रता नहीं है कि मैं जाकर एसी में खड़ा रहूं, क्योंकि वो फिर जिसे आप कहते हैं ना प्रामाणिक लोकस्त, प्रामाणिक प्रिंसिपल्ड लोग वो ऐसे होते हैं, उनकी ये विरक्ति होती है। बाकी हमारी विरक्ति जो है पता नहीं कब आएगी। तो तर्क से विरक्ति आती है, गाड़ी बाहर देख लिया, हम समझ गए कि अगले 40 साल तक भी अगर हमने बहुत कष्ट किया तो उतने सक्षम नहीं हो पाएंगे गाड़ी लेने में, तो वहीं पर उस कल्पना को हम त्याग देते, विरक्त हो जाते, ठीक है जिसका है उसको लेने दो, उसका कर्म है, हमारा वैसा कर्म नहीं है। तो जब भगवान के विराट स्वरूप को हम जानते हैं ना, तब जाकर विरक्ति आती है हमें अपने काल्पनिक सुख प्राप्त करने की अभिलाषाओं से, कि मुझे ये भोग करना है तो ये भोग करने की क्षमता है नहीं, क्यों, क्योंकि विराट पुरुष का ये सब कुछ है, ये जिह्वा से जो रस हमें प्राप्त होता है, रसास्वादन जो हम करते हैं, वास्तव में ये विराट पुरुष से हमें प्राप्त हुआ है, उन्हें सारा रस मिलना चाहिए। तो
जो ज्ञानी होता है वो इस प्रकार से विरक्त होने का प्रयास करता है, नहीं तो हम अपने भौतिक अभिलाषाओं में ही लिप्त रहेंगे, वो मुख से हरि नाम लेते रहेंगे लेकिन उस नाम का वास्तव में सिर्फ इतना ही होता है कि कुछ पुण्य मिल जाता है हमें, बस पुण्य मात्र मिलता है, चेतना में परिवर्तन नहीं हो पाती। कैनो हरे कृष्ण नाम बोले ना, मन प्रांत कांदे, मतलब क्रंदन नहीं होता, एक प्यास नहीं होती, भूख नहीं होती भगवान के नाम के लिए। उसका कारण यह है कि हम अभी भी लिप्त हैं भौतिक अभिलाषाओं में, ये भौतिक अभिलाषाएं हमें क्रंदन नहीं करने देती भगवान के नाम के लिए, है ना। किसी भी बच्चे को आप बोल दीजिए कि बेटा दो माला अच्छे से करेगा ना, तो आईने आज रसगुल्ले के लिए इतना तुला रसगुल्ले भेटते, ठीक से माला नहीं किया तो नहीं मिलेगा। देखो बच्चा कैसे करता है माला, बच्चा माला करता है। वैसे ही कुछ बड़े बच्चे होते हैं, 16 माला ठीक से नहीं किया तो गुरु के प्रति अपराध होगा, देखिए फिर कैसे करते हैं 16 माला। वो स्वयं के चेतना के विकास के लिए नहीं करते, रसगुल्ले के लिए, जिसको कहता है उस रसगुल्ले का नाम है गुरु अपराध, उस हेतु से नाम जप करते हैं। तो ये सब तर्क का विषय है। अगर भौतिक अभिलाषाओं से मुक्त होना चाहते हैं तो तर्क ही एकमात्र आश्रय है, बिना तर्क के भौतिक अभिलाषाओं से मुक्त नहीं होंगे, और जब तक भौतिक अभिलाषाओं से मुक्त नहीं होंगे प्रेम नहीं आता भगवान के प्रति, प्रेम की अनुभूति नहीं होगी। फिर आप कितना भी वो सीरियल देखते रहिए और कितने भी भागवत सप्ताह में चले जाए और आहा हा हा कितना मधुर बोलते हैं करते रहिए, वो तो मधुर बोलकर चले जाएंगे अपने अगले गंतव्य तक, आप खाली अगले भगवत सप्ताही के लिए रुके रहिए कि ये अगली बार कब मधुर बोलेंगे, उसके लिए आप रुके रहे हैं खाली। तो विस्तार से सुखदेव गोस्वामी जो है यहां पर भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए यहां पर रुकते हैं, किसी के मन में कोई प्रश्न है, कोई शंका है? हाँ जी, तर्क से ही अच्छा, तर्क करने से ही भोग की इच्छा निर्माण होती है और तर्क से ही विरक्ति भी आती है, तो क्या यह विरोधाभास नहीं है, ऐसा प्रश्न है? अच्छा प्रश्न। देखिए शास्त्र में कभी कभी ना, जैसे शास्त्र के ऐसे वाक्यों को हम अपने साधारण अनुभव के आधार पर कैसे समझ सकते हैं, तो कभी कभी उदाहरण दिया जाता है चाकू का। चाकू से आप सब्जी काटिए और अच्छी सब्जी बना सकते हैं, या फिर चाकू से आप सब्जी काटिए और किसी की सब्जी का नुकसान कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं ना चाकू से। जैसे कभी कभी एक बच्चा होता है ना, घर में आलू पड़ा होता है, चाकू लेकर काटता है, क्यों मम्मी मैंने देखा आपको काटते हुए, तो मम्मी समझाती है नहीं, जिस दिन मुझे आलू की भाजी बनानी तब मैं काटती हूं। तो चाकू है, आलू काटना है, बच्चा जब व्यर्थ ही काटता है तो उसे डांट पड़ती है, और माँ जब उसे उचित कारण के लिए काटती है तो प्रशंसा मिलती है, वाह 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 कितना सुंदर आलू की भाजी बनाया आपने, क्या बात है क्या बात है। और वही बच्चा जब काटता है तो उसे डांट पड़ सकती है, क्यों काटा,
नहीं काटना है। तो क्या चाकू का प्रयोग जो है जब बच्चा करता है मां करती है तो उसमें कुछ विरोधाभास है कि उद्देश्य में, हेतु उद्देश्य। तो जब तार्किक बुद्धि का प्रयोग इंद्र तृप्ति के लिए किया जाता है तो फिर उससे आसक्ति निर्माण होती है और उसका प्रयोग जो है किसकी वस्तु है, किसका उसके पर अधिकार है ये समझने के लिए प्रयास किया जाता है तो विरक्ति आती है। जैसे एक व्यक्ति है, पांच जो है बहुत ही आरामदायी गाड़ी खड़े हैं, एक व्यक्ति अपने तार्किक बुद्धि का प्रयोग करता है कि मेरी गाड़ी क्योंकि उसकी गाड़ी है उसमें आराम से बैठकर मैं कैसे जाऊं, तो बाकी चार गाड़ियों को न ध्यान करते हुए अपनी गाड़ी पर ध्यान करते हुए अपनी गाड़ी को बुलाता है। तो यहाँ पर उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया कि जो उसकी गाड़ी है उसको ही उसने बुलाया, लेकिन उसने बुलाया किस लिए, आराम से उसमें बैठकर जाने के लिए, तो ये भी भोग हो गया है ना। दूसरी तरफ पांचों गाड़ी में से कोई आपकी गाड़ी नहीं क्योंकि आप सक्षम ही नहीं हो, तो आपके पास विकल्प ही नहीं बचा, आपको विरक्त होना ही है, नहीं तो आपको चोरी करनी पड़ेगी, आपको नुकसान, आप उसका नुकसान करोगे जो उचित नहीं है। तो कभी कभी मायूसी में, इसे कभी कभी कहा जाता है शास्त्र में कि गरीब व्यक्ति जो है वो ज़्यादा साक्षात्कारी हो सकता है ना, जो अकिंचन है, जिसका सब कुछ, जिसने जिसके पास अब कुछ नहीं बचा सिवाय भगवान के आश्रय का, वो पूरी तरह से भगवान का आश्रय ले सकता है। तो ये उस प्रकार का तर्क है कि आपकी गाड़ी है ही नहीं तो फिर आप उस अवस्था को स्वीकार लेते हो कि ठीक है अब क्या करें, मेरी तो नहीं है, तो वो जो सुख गाड़ी के साथ जो सुख मिलना है सबसे आप विरक्त हो जाते हो। एक और एक तार्किक बुद्धि का प्रयोग होता है, गाड़ी आपकी है, गाड़ी का सुख भी आपको मिल सकता है, लेकिन अगर आप देखते हो कि गाड़ी जो है मेरी नहीं है क्योंकि धन जो है ये लक्ष्मी है, लक्ष्मी नारायण की संपत्ति है, तो अब गाड़ी में जैसे आप बैठते भी हो ना, तो सोचिए एक ड्राइवर होता है और गाड़ी का मालिक होता है। ड्राइवर जब गाड़ी में बैठता है, गाड़ी चलाता है, तो गाड़ी चलाते समय उसकी वृत्ति क्या होती है, वो क्या सोचता है, मैं एसी अपने हिसाब से कम ज्यादा करूं या मालिक के हिसाब से कम ज्यादा करूं। तो जिस दिन हम अपनी गाड़ी में जिसके सुख के का अधिकार हमें लगता है हमारा है, अपनी उस गाड़ी में बैठकर अधिकार भगवान को देते हैं कि भगवान के अनुसार एसी कम ज़्यादा, हम तो खाली ड्राइवर हैं, तो ये भी एक तार्किक बुद्धि है जिससे विरक्ति आती है। जैसे कि ड्राइवर की विरक्ति रहती है, गाड़ी का प्रयोग कर रहा है लेकिन गाड़ी को अपना समझता नहीं है, ठीक है ना। तो उद्देश्य क्या है आपके तर्क का, तो कोई विरोधाभास नहीं है। उद्देश्य अगर भोग करने का है तो तार्किक बुद्धि जो है वह आसक्ति निर्माण करती है, उद्देश्य अगर सेवा करने का है तो वही तार्किक बुद्धि जो है अनासक्ति या विरक्ति की निर्मिति करवाती है, ठीक है। हरे कृष्ण। हाँ जी, और कोई प्रश्न है किसी का? नहीं, थोड़ा सा स्पष्ट तो बोलता का तुम्हें। कल्पना विद्यार्थी ने लाला जी को माय उपाधि शिव बोली जी, बराबर है जी। तुम्हें तुम्हाला व्यक्त करायचं काही तरी की काही प्रश्न आहे मनात, शंका आहे, व्यक्त करायचं होतं। ठीक आहे, धन्यवाद। गुरुजी, फिर बुद्धि और मन, अगर बुद्धि हमारे को भरमाती है, भ्रम पैदा करती है, हाँ, बुद्धि की बात मानना चाहिए या मन की बात मानना चाहिए? मन भी तो हमारे को भटकाता है। सबसे पहले क्या करना चाहिए पता है क्या? नहीं, आप भट्ट साहब तो थे, लेकिन कभी कभी प्रश्न ऐसे आता है ना कि लगता है कि आप लोग पहले से क्यों नहीं बैठे क्लास में, और अगर पहले से क्लास में बैठे हो तो जो पूरा सीक्वेंस चल रहा था उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया आपने, है ना।
नहीं तो सारा रामायण हो गया, उसके बाद सीता किसकी पत्नी थी? वो तो राम के साथ भी रह रही थी वनवास में और रावण के साथ भी रह रही थी, पत्नी किसकी थी? क्योंकि इतना ही सुना हमने कि रावण जो है सीता को ले गया, तो सीता तो रावण के साथ थी, राम भी सीता को ले गए वन में, तो सीता तो राम के साथ थी, दोनों ही सीता को ले गए, पत्नी किसकी है? तो जो सीक्वेंस है वो उस पर ध्यान नहीं दे पाए, इसलिए कभी कभी हमें बहुत ही तो अंदर से एक ज्वालामुखी भड़कता है और अपने आप पर ही क्रोध आता है कि मैं यहां पर कर क्या रहा हूं। जैसे कथा होता है ना कि नहीं तुम्ही जे सांगितलं कि राम हे असुर आहेत कि रावण मीच आहे, तुमच्याशी बोललो ना मी असुर आहे, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं असुर हूं, ये राम और रावण की बात क्यों किया जाए। ठीक है, अब इतना कहने के बाद आपके प्रश्न पर आते हैं। मन जो है वो एक उत्तेजित घोड़े के समान है, बुद्धि जो है घोड़े पर लगाम है, समझ रहे हैं आप? लगाम का अर्थ है जो घोड़े को नियंत्रित करे। तो लगाम किसके हाथ में होती है? वो व्यक्ति होता है बुद्धिमान व्यक्ति। अगर बुद्धिमान व्यक्ति कमजोर हो तो घोड़ा जैसे चाहे वैसे करेगा ना। ठीक है, तो घोड़े को नियंत्रित करने के लिए लगाम पकड़कर कसकर पकड़ना चाहिए। तो बुद्धि को मन पर इस प्रकार से नियंत्रण करना आवश्यक है। बुद्धि तर्क करता है, मन जो है सिर्फ अभिलाषाएं व्यक्त करता है। अभिलाषा, आज पाइजे, नको आता नको, मन करत नहीं, मन करते, ये मन है। बुद्धि तर्क करता है, मला नको परंतु जर नहीं केलं तर परीक्षेत फेल होणार, मी करावंच लागणार, ये बुद्धि है। ठीक है ना। आध्यात्मिक सत्ययुग के अंदर लोगों की उम्र 100,000 साल थी, अब वो उतनी तपस्या करते थे तो उनसे क्या भगवान उनको प्रसन्न हो जाते। अब यहाँ कलयुग के अंदर हमारे पास 60-70 साल पड़े हुए थे, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे? हरे कृष्ण बोलने के बाद भ्रम भी पैदा होता है, हरे कृष्ण बोलने के बाद भगवान को भी संतुष्ट करना, तो अब ये मन और बुद्धि वाला ही बात हो गया। हरे कृष्ण करने से तर्क ना, तर्क करना चाहिए। तो नाम, जैसे भगवान का नाम ले रहे हैं तो तर्क करना चाहिए उस समय, ये नाम ले रहा हूं भगवान का, ये नाम जो है भव सागर से मुझे बाहर निकाल सकता है। तर्क, वो भव सागर से बाहर निकलना, उसकी शाब्दिक कल्पना को पकड़ना बहुत आवश्यक है। ठीक है ना। जैसे कभी कभी आप कहीं पर सोचिए फंस गए हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं, अचानक कहीं नीचे से कोई करंट धारा आ गई, खींच लिया आपको, उस समय क्योंकि आदत पड़ी हुई है ना हरे कृष्ण बोलने की, तो हरे कृष्ण आप चिल्ला देते हो, अगले 4 दिन तक वो आपको याद रहता है, जब के समय आपको याद रहता है हरे कृष्ण, मतलब एकदम पूरी आत्मा आपकी भीतर से आप कांपते हुए भगवान का नाम लेते हो पूरे समर्पण के साथ। फिर आपकी माँ जो है एक इतना अच्छा, नहीं आपकी माँ नहीं, मतलब घर में माता जी जो है इतना अच्छा दाल बाटी खिला देती है 4 दिन के बाद, वो दाल बाटी खाने के बाद ऐसे अंदर से कंपन आ जाता है कि आह। फिर अगले दिन से जो नाम जप जो है ना उस कंपन से हम कर दे, दाल बाटी हरे कृष्ण तो दाल बाटी के प्रति हम समर्पण हो जाते हैं। तो हमारी समस्या ये है, तो भव सागर की कल्पना, भव सागर में हम फंसे हुए हैं,
इस शब्द के अर्थ को हमेशा पकड़ना चाहिए हमें। तब जब हरिनाम आदमी लेता है तो फिर वो उससे बाहर निकलने के लिए लेता है। प्रेम तो बाद में, प्रेम पूर्वक नाम बाद में लेंगे, पहले ऐसे अपने दुखद अवस्था को समझते हुए, उसका साक्षात्कार होते हुए हमें नाम जप करना चाहिए। तो साक्षात्कार मतलब शब्द की कल्पना, शाब्दिक जो कल्पना है उसके स्वरूप को पूरी तरह से समझ लेना, ठीक है। बराबर है। मन करारे प्रसन्न सर्व सिद्धि के कारण मोक्षात्म मन धन करा समाधान चित्त मार्ग। बस उसके लिए निरंतर नाम जप करते रहना चाहिए। जैसे बच्चा होता है ना, उसको बार बार समझाओ माँ माँ, तो एक बार बच्चे के दिमाग में वो बात बैठ, अच्छा अच्छा है। ये जो बार बार बोलते रहते हैं माँ माँ, मतलब ये माँ और ये, इसको कुछ तो अच्छा लगता है माँ, तो वो अचानक एक दिन बोलता है माँ, तो माँ के चेहरे पर ऐसी हंसी आ जाती है, तो बच्चा को लगता है अरे वो हंसी उसे समझ में आ जाती है। फिर अगले बार वो माँ शब्द जो है उसके उस अर्थ को समझ कर बोलता है। तो वैसे ही हमें ना बार बार अपने मन से कहना चाहिए राम राम, एक दिन मन को समझ में आएगा ओहो राम मतलब, चेहरे पर यह हंसी आ जाती है, ठीक है ना। तो निरंतर भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। हाँ ये बात तो सही है। कभी कभी क्या होता है, हमारा मन हमको समझाता है कि मन में है नाम, लेकिन वास्तव में शायद वैसा ना हो। हाँ तो फिर मन में नाम नहीं है ना, मन में विचार अलग है। हाँ तो अब विचार नहीं रहना चाहिए, मन में नाम आना चाहिए, बस निरंतर नाम लेते रहना चाहिए। एक दिन जो है ना भगवान का नाम उस विचार को ढकेल कर बाहर निकाल देगा, ठीक है। और कोई प्रश्न है किसी का? चलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।